और अरबाब में जा रहे हैं जी, यहाँ से दूर हटे के बस अगर पहन लिया है। वहाँ से कुछ सामान आना था हमारा, तो वो इंशाल्लाह लेने जा रहे हैं, वो ले के चलते हैं। जब से पता नहीं क्या आया, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं इंशाल्लाह। अब इधर ही जा रहे हैं हम लोग, ऑंडे पर ही हैं जी हम लोग। थोड़ी देर पहले जब ना भाई क्या दूसरे वाला कटा रहा, उससे मैं ले गया हूँ अपने घर के। जब मैं आया आ गया हो, मैं थोड़ी सी ब्रेक मारी और जनाब जी उसका जो है टायर ब्लास्ट हो गया बैक वाला, बड़े बुरी तरह से गिरने लगा हूँ। उसको मैंने घर खड़क के मैंने इसे उठा लिया जी। अब इसी पे जा रहे हैं इंशाल्लाह उधर ही, चलते हैं जी। सारा इधर बस स्टैंड है, हम उधर से छांव से, उधर धूप थी हम लोग इधर आ गए हैं छांव पे सामने जी बाइक। यहाँ दोपहर तकरीबन कोई एक बजे के टाइम है, गर्मी इस कदर ज़्यादा है यहाँ खड़े दिनी वह जा रहा है। मैं दिखाता हूँ ये देखें कितनी धूप है, ये देखें कितनी ज़्यादा हो गई। वहाँ पर खड़े खड़े अरबाब हमें तंग आ गए थे, हम लोग इधर छांव पे आ गए। अरबाब को लगी गर्मी अभी यहाँ से जी, लगा हुआ था नलका जी यहाँ पे, ये मुँह धो रहे अब खड़ा हो गए। मैंने भी थोड़ा मुँह धो रहा, गर्मी गाड़ी आ गई है जी। वो सामान जो लेने गए थे ये जी, आम की पेटियाँ मेरे ख्याल से, हाँ जी आम भी हैं। चलिए चलते हैं घर, ठीक है बाप चले। अब बड़ी दलील ज़्यादा तो ये जी लेने के लिए हुआ कुछ यूँ था कि जी बस वाले जो थे ना वो थे अपनी जगह पे खड़े हुए आकर, और हम आधे घंटे से आती जाती गाड़ी को देख रहे थे। मेरे पास ना बैलेंस नहीं था, लेकिन किसी तरह साथ में दोबारा मुझे खुद कॉल किया, उसने मुझसे फिर पूछा है कि भाई आप कहाँ रह गए हो, तब जाकर मुझे पूरे पता चला, वरना मैं तो जी नाराज होकर अब घर ही जा रहा था। और देखिए सामान ले लिया, हम तो आप घर चलते हैं जी घर। वहाँ से बस स्टैंड के बाद आने के बाद मैं घर आकर सो गया था। जैसा कि आप लोगों को बताया था जी, गर्मी बे इंतहा की हद से ज़्यादा थी, मेरे सर में दर्द होने लग गई थी, और वहाँ पर तो हम जलील बड़े ज़्यादा सारे हुए थे। तो उसके बाद जब घर आकर सो गया, फिर उठा, फिर खाना खाया, फिर मस्जिद चला गया, फिर वहाँ से वापस आया हूँ। पूरा दिन अंदर बैठ बैठ कर जी बंदा बोर हो जाता है, तो इस वजह से बाहर झूले पे के बैठ गया। यहाँ पर थोड़ी देर हवा भी चल रही है, और मेरे फ़ोन में कुछ फाइल्स दे रही थी जो मेरा एग्ज़ाम है परसों 6 का, तो मैंने कहा स्कूल भी लर्न कर लेता हूँ, यहाँ बैठ जाता हूँ। आप लोगों ने सारी वीडियो देखी, वो जी व्लॉग कल का था, तो आज शाम के 4:30 हो रहे हैं, 5:30 बल्कि ऊपर टाइम हो गया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ जी आ गया हूँ। आपने लास्ट व्लॉग में देखा मैं गया था जी गाँव, जहाँ से मैंने उससे वो गिर गया तो मैं उसे उठाना चला गया था। अभी तो हम लोग दोबारा बागी जा रहे हैं जो मेरा गाँव है, तो उस दिन रात हो गई थी, मैं आपको अपने गांव ठीक से दिखा नहीं पाया था। तो अभी दिन दिन का टाइम है इंशाल्लाह, दिन दिन में पहुंच जाएंगे, तो आप लोग आपको जाके वहाँ जाके अपना पूरा गांव दिखाऊंगा इंशाल्लाह, मैं गांव का टूर भी दिखाऊंगा और अपने गांव वाला घर भी आप लोगों को दिखाऊंगा। चलते हैं जब गाँव। तो अभी जी गाँव की तरफ ही मैं जा रहा हूँ। हमारे गाँव को जी दो रास्ते जाते हैं, एक जी सीधा जी मेन रोड जाता है, जिस रोड पर मैं जा रहा हूँ, इस रोड का नाम है जी टोपर रोड। इस रोड पर जी ट्रैफिक बड़ी ज़्यादा होती है, ये वैसे मेन रोड है, यहाँ से मेरा गाँव आता है, लेकिन मैं जिस रोड से जाता हूँ ना यहाँ दो रास्ते जाते हैं, एक देहातों के अंदर से जाता है, खेतों के अंदर से वो जाता है मेन रोड। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ना जी, वो ये साइड दूसरे वाला है, सामने वाला रोड पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पर ट्रैफिक बड़ी ज़्यादा होती है। ये जो ये वाला रोड है ना जी, इस रोड पर ना ट्रैफिक नहीं होती, ये इलाका बड़ा अच्छा है, तो इस जगह से मैं जा रहा हूँ। तो अभी इस रास्ते पर चलते हैं जी, और आपको रास्ता भी साथ साथ दिखाता हूँ। तो जी इस रास्ते पर ये रोड, पहले ये रोड नहीं था, यहाँ पर ये कच्ची सड़क थी मिट्टी वाली, खाली इंटे इंटे लगी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये रोड बन गया, यहाँ पर अब बिजली बंदा ट्रैवल कर सकता है। तो फिर आपको रास्ता भी दिखाता जाता हूँ। ये रास्ता थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तकरीबन ये 15 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन जो मेन रोड से रास्ता जाता है वो जी 10 किलोमीटर पड़ जाता है, लेकिन इस रास्ते पर सुकून है इससे, बल्कि जल्दी इंसान पहुँच जाता है। तो भी रास्ते में जी खेत और अच्छी अच्छी जगह आएंगे, वो भी आपको आपको दिखाता चलेंगे साथ साथ इंशाल्लाह। आबादी होगी ख़त्म आ गई, ये देखिए जी खुला रोड है, सुकून है इस रोड पर बिल्कुल जी, माशाल्लाह जी। इस रोड पर आकर ना मौसम भी अच्छा अच्छा फील हो रहा है, हल्की हल्की किसी धूप है, किसी किसी जगह पर छाँव है। शाम 5-6 बजे का मौसम है, आराम से ठंडा मौसम है, देखिए
जी आप लोगों को मेरी आवाज़ में थोड़ा आ रहा होगा मसला, क्योंकि माइक में लगाता नहीं हूँ और हवा के शोर इतना ज़्यादा होता है कि आवाज़ क्लियर आती ही नहीं है। तो इंशाल्लाह कि कुछ दिन तक मैं माइक भी ले लूँगा, फिर आप लोगों को वॉइस जो होगी वो इंशाल्लाह क्लियर सुनने को मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही गुजारा करें, इंशाल्लाह माइक ले लेता हूँ फिर इंशाल्लाह आवाज़ क्लियर आ जाएगी। अगर थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया जी मेरे गाँव का, फिर इंशाल्लाह जी पहुँचते हैं गाँव और आपको अपना गाँव चल के दिखाते हैं। अपनी बाइक रोकी जी सामने जी खड़ा है जी अपना होंडा, माशाल्लाह देखे कितना कमाल के सब का लग रहा है, ये व्यू देखे माशाल्लाह। ये जिस तरह पे वो देखे आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखे जी छोटे छोटे नेस्ट बने हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये देखे जी ये भी मैं जूम किया, ये देखे ऊपर देख रहे हैं चिड़ियों की आवाज़ें, ये देखें परिंदों की। ये जी इधर होंडा माशाल्लाह मौसम देखिए, सारी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, कमाल किस्म का मौसम है। तो जी यहाँ पर हल चला लिया हुआ है, कुछ दिन यहाँ पर पानी लगाएंगे, खड़ा करेंगे, फिर यहाँ पर ही पनीरी लगा कर धान की जो फसल है वो बीजना शुरू कर देंगे। जैसे अगर चावलों का मौसम आ रहा है तो आगे यहाँ पर ये देखें अंदर ये दरख्त लगे हैं, ऊपर से आप ये देखे भाई, ये पहली दफ़ा देखे मैंने, ये देखे छोटे छोटे नेस्ट बनाए हुए इन परिंदों ने, ये देखे माशाल्लाह सुभान अल्लाह जरा तला कुदरत देखे, ये देखे ऊपर ये परिंदे बैठे सारे बोल भी रहे हैं माशाल्लाह, देखे इतना प्यारा मौसम है। तो भी चलते जी गाओ, थोड़ी सी मैंने कहा यहाँ पर अपनी थंबनेल के लिए पिक्चर ले लूँ, तो इस वजह से मैं खड़ा हो गया था यहाँ पे, चलते जाके गाँव। जब जब मैं पहुंची हुई है जी मेरा गाँव वाला घर, अभी घर के अंदर बैठ के बहुत शुक्र मैंने पी लिया है। तो भी ये बाहर खड़ा जी अपना होंडा, ये जी छोटी उरैन, तो भी चलते हैं जी बाहर, यहाँ से जी दूर है खेत को उधर जाते हैं और नहर भी है छोटी सी, उधर चलते हैं। इधर सामने वो जो मैं ऊपर वो जिस छत नज़र आ रही है ना, उधर ही मेरा घर है जी, और ये आगे सामने रास्ता देखें ये जी, इधर इर्द गिर्द खेत हैं और ये देखें जी सारे इधर इर्द गिर्द खेत का दरमियान में रास्ता, माशाल्लाह मौसम देखे कमाल। एक तो जी ऊपर से माशाल्लाह इतना खूबसूरत मौसम है, आप ये देखें माशाल्लाह कमाल व्यू है। ये जी आज का जो गन्ने की फसल है ये भी बड़ी हो चुकी है, कुछ दिन इसकी कटाई भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, मैं लोगों को इंशाल्लाह हो सका तो मैं इनकी कटाई होते भी दिखाऊंगा आपको। ये देखें छोटे होते जी मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब तो आना बंद हो गया जी, सुभान अल्लाह जी मौसम देखें। तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से हाँ जी अभी यहाँ पर सिर्फ ये पनीरी उग रही है जी, जब ये पनीरी उग जाएगी फिर यहाँ पर जी यहाँ से पनीरी उखाड़ कर यहाँ पर दोबारा पानी लगाएंगे इस जगह पर, और फिर यहाँ पर जी धान की बिजाई करेंगे। और आप माशाल्लाह मौसम देखें, ये देखें इधर जी अपना होंडा खड़ा हुआ है, ये देखें कमाल, देर हो गई यहाँ पर खड़े हुए, ये देखें माशाल्लाह इतना प्यारा वेदर है ना, वो देखें वहाँ पर भी गन्ने की फसल उगी हुई है इस जगह ने, यहाँ पर मेरे ख्याल से देखिए आप देख रहे हैं ये हल चली हुई है, तो यहाँ पर भी धान की फसल की बिजाई होगी। और आप ये देखिए माशाल्लाह क्या देखिए, वो एक फार्म हाउस बना हुआ है वो अंदर करके वो देखिए किसी का। अब माशाल्लाह रोड देखिए, आगे पतला सा पास बना हुआ है, इस पर बाइक जाती नहीं वरना मैं ज़रूर जाता, बंदा गिर जाता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं इस वजह से। अब माशाल्लाह कमाल के साथ देखिए, शाम का टाइम है जी 6:30-7 बजने वाले हैं, मगरिब के साथ होने वाली है, माशाल्लाह कमाल के साथ है। तो अब चलते हैं जी घर, इंशाल्लाह घर चल के मिलते हैं आपको। घूम फिरने के बाद मैं आ गया था घर, पसीनों में जितना आ गया था मैंने आपसे मुँह दिया था घर में जी। ये देखें ये मेरे ख्याल से जामुन का है, ये लग गई पपड़ी, इसका पुदीना बड़ा मज़ेदार बनता है, ये पता नहीं किस चीज़ का है। और ये नीचे जी बेल लगी है, छोटे छोटे पौधे लगे, इसमें फ्लावर जो होते हैं ना फिर वैसे धूप में बाइंड करते हैं। देखिए ये छोटा सा बनाया हुआ जी, ये विंडो है ना तो इसे साथ लगाया हुआ माशाल्लाह। तो अभी छत पे चलता हूँ जी मैं, और छत से चल के आपको सारा व्यू दिखाता हूँ, फिर घर घर से हमारे जो बारे वाला व्यू वो चल कर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मैंने कहा था घर चक्कर दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह व्यू, अभी मैं खड़ा हूँ जी घर की छत पर, ये देखें ये खड़ा हूँ जी घर की छत पर, और वो देखें ये देखें व्यू अब माशाल्लाह यहाँ से कमाल आ रहा है व्यू, थोड़ा जूमिंग करके क्लियर आ जाए ताकि ये देखें वो जी सामने औरतें चारा काट रही हैं, ये दीदी हाथ का माहौल है जी सुकून पूरी, ये देखें कमाल किस्म के व्यू, ये देखें हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है, इस तरह तो ये आबादी है घर हैं सारे, वो जी सामने पंजे में कबूतर बैठे चिल कर रहे हैं, सामने घास का ले रहे हैं जी मज़ा, और इधर देखे जी व्यू माशाल्लाह। जबकि अजान का टाइम हो रहा है तो भी चलते हैं जी नमाज पढ़ने, उसके बाद चल जाऊँगा मैं घर। तो आज के व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म, दुआ में जाके खेजा मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फैमिली मेम्बर साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, आज के